क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अमन दिख रहा है ये फोन में देखना तो माइक लगा ले। बैठ जा। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। कल हम लोग तीन चार्ज की प्रॉपर्टी साथ पढ़ लिए थे, तीन पढ़े थे कि चार पढ़े थे, आवेश का चार लक्षण पढ़े थे कि तीन। तो ये चौथा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी बोलते बाबू आवेश का क्वांटीकरण। समझिएगा, जैसे हम कहें कि मान लो कि किसी पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ पर कितना आवेश उपस्थित है, उस आवेश को या बोले उस छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन को कंक्लूड करना कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि इस जो पदार्थ है, ये पदार्थ, इस पदार्थ पर कहां रह गए थे बाबू तुम, चलो ये देखो, ये कह रहा है कि पदार्थ है ये, इस पदार्थ पे अगर मान लो हम कहें कि तमाम सारे पॉजिटिव होंगे और निगेटिव होंगे तो ये पदार्थ बना होगा। हम कहें कि पदार्थ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उपस्थित होंगे उसे क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो क्यू बराबर एन ई, यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, किसी एटम में जितने प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको एन से दर्शाएंगे। अच्छा, यह एन जो होता है बाबू होल नंबर में होता है, एक दो तीन चार पांच छ अनंत तक जितना भी हो सकता है। मान लो कि हम कह दें कि एक पदार्थ है मेरे पास, इस पदार्थ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि इसका आवेश क्या हो गया, क्यू बराबर एन ई 10e, अरे यही ना बोलेंगे q बराबर ne, तो हम कहेंगे नंबर हो गया 10 और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया जाए 6×10⁻¹, तो जितना आवेश है इस पदार्थ पे क्या निकल आएगा। अच्छा, यहीं पे क्वांटीकरण यह कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि कभी भी जो नंबर है आधा पौना या डेढ़ या अढ़ाई नहीं हो सकता, मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन फुल होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, या फिर ज्यादा ज्यादा बड़े क्वांटिटी में होगा, लेकिन जितना भी होगा वो एक पूर्ण रूप में होगा, पूर्ण होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि डेढ़ा हो जाए, अढ़ाई हो जाए, सवा हो जाए, पौना हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आ रही है, तो क्वांटीकरण यही कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश, या हम बोल दें कि किसी पदार्थ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको लिखना, ये क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो लिखो, हैंड डालो आवेश का क्वांटीकरण, लिखना किसी पदार्थ पर कुल आवेश मूल इकाई आवेश, मूल इकाई ब्रैकेट लिखना इलेक्ट्रॉन, मूल इकाई ब्रैकेट लिखना आवेश इलेक्ट्रॉन मूल इकाई मूल इकाई आवेश ब्रैकेट में रहेगा बाबू इकाई आवेश मूल इकाई आवेश इलेक्ट्रॉन भी ब्रैकेट में रहेगा मूल इकाई आवेश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है मूल इकाई आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है का पूर्ण गुणज होता है
तथा यह कभी डेढ़ अढ़ाई डेढ़ अढ़ाई दो बटे पांच इत्यादि नहीं होता, मतलब कि दशमलव में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। बस आ रही है। तो अब फॉर्मूला ये वाला इधर इधर इसको सेट करना और लिखना क्यू बराबर एन नी, एन बराबर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया अमान? इतने प्यार से बैठ जा बैठ जा, जाने दो। तो चला जाए घर, कह देगी अब ये हम नहीं कह सकते, तुम लोग कह सकते हो, अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। ओके जी सुनो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है, एक सिंपल सा ही कहता है, जैसे कि मूल कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में मूल जितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कंक्लूड कर लो, वो क्या हो जाएगा कुल आवेश उसका पता हो जाएगा, और वह उस पर जितना इलेक्ट्रॉन है कभी भी इतना समझ लेना कि वो फ्रैक्शन में नहीं लेना है, लेना है 1 2 3 4 5 जितना होगा उस पर, और कभी फ्रैक्शन में आता ही नहीं है। जैसे इस पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा आएगा या दो इलेक्ट्रॉन पूरा आएगा, कभी ये नहीं कि डेढ़ गया या डेढ़ आया। जैसे हम कहते हैं कि इसको रब कर रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन हम ला रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पूरा आता है, अपने आप को पूर्ण रूप से लेके आता है, ऐसा नहीं कि आधा ई का मुंडी ऊपर चला गया है, नीचे वाला पोछा रह जाए, ऐसा नहीं होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा, जैसे ई लिखते हो ना, ये पूरा ई जाता है। अच्छा पूरा ई जाएगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है, दो हो जाएगा तो इसे दिख के आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन गया है। तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे, जितनी संख्या में गया है, और दो या तीन जो भी आएगा और इसे गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है या कितना आवेश इस पे उत्पन्न हुआ है। बस आ रही है। तो यही पदार्थ हम लोग पदार्थ का या बोले हम कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड बाबू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण, क्या इसको मिटा दें? ठंडी ज्यादा है क्या जी, आज लेट हो गया तुरंत? क्या हो गया है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण। सुनो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो अगर हम बात करें कि जो भी पदार्थ है वो या तो न्यूट्रल स्टेट में है या फिर आवेशित है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ हम आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, जो है उसी को रगड़ घस के निकाल देते हैं, यही करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम अपने तरफ से आवेश ला के देते हैं कि लो भाई तुम आवेशित हो जाओ, ये करते हैं क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम आवेशित, इस पे आवेश नहीं है तो हम इसको रगड़ देंगे तो आवेश आ जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि आवेश को ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम आपको ऊर्जा पढ़ाए हैं तो हमने कहा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो जो आवेश है, आवेश के लिए भी यही फॉर्म का यही लैंग्वेज का यूज करते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम कहें कि किसी भी पदार्थ का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, या तो वो परिवर्तित होकर दूसरे में ट्रांसफॉर्मेबल है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं कि जो आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा सकता है, परंतु ये नहीं होगा कि आवेश को आप उत्पन्न करिए, आवेश उसके पास खुद ही है, बस वो क्या है कि न्यूट्रल स्टेट में है, आपको बस जाके प्रेरित करना होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम उस बच्चे को बहुत सिखाए हैं, नहीं, उसके अंदर वो पोटेंशियल था, आपने उसके बस अंदर प्रेरणा जगाया है, बस आ रही है। तो प्रत्येक स्टूडेंट जो आता है वो हम अगर कह रहे हैं कि हम उसको पूरा सिखाए हैं या पूर्ण रूप से उसके करियर में मेरा ही योगदान है, ऐसा नहीं,
क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि मेरे पास 300 400 500 जितने भी बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम कह दें कि सब निकल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? किसी एक के अंदर पोटेंशियल होगा जो उसको निकल उस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करके निकल जाएगा वो, तो उसके अंदर की पोटेंशियल है जो अपने आप जागृत होती है। इसी तरह हम बोले कि कोई भी पदार्थ का जो आवेश है, आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है, बस उसको रगड़ के हम लोग या उसको आवेशित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उस पर हम खुद आवेश कहीं से उठा के ले आकर डालें। अगर ऐसा भी करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा या ऐसा जो इलेक्ट्रॉन वहां पे व्यवस्थित होगा वो अपने ही रूप में हो जाएगा। बस आ रही है तो लिखिएगा, इस नियम के अनुसार चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, क्या लिखे हो हिंदी में लिखो, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी डालो चालक और कुचालक, ये यहां से जो हमारा प्रॉपर्टीज था चार्ज की प्रॉपर्टी यहां तक खत्म हो गई। अब यहां पे हम चालक और कुचालक अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है, चालक और कुचालक। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, बचपन में पढ़े ही होंगे कि चालक और कुचालक में अंतर क्या है। सुनिएगा, अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, या उसी को इंसुलेटर बोलते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो चालक और इसका मतलब कुचालक। ठीक है बाबू, सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को या कहें जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? चालक। और जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित ना हो या हो भी ना करे उसे क्या बोलेंगे? कुचालक। जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच इत्यादि पे धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसमिट नहीं हो पाते। जबकि जो चालक होते हैं, रॉड, लोहे का रॉड ले लो, अच्छा फील करना हो तो लेके जाना, छत से आपको तार दिख ही रहा होगा, ऐसे करके लोहे का रॉड मार देना, क्या ऐसा कर सकते हो? क्या दिमाग में पहले बना है कि उससे करंट आ जाएगा? लेकिन यही आपसे हम कह दें कि एक सूखी लकड़ी हो, जिसको आप लोग बांस वास की लकड़ी जो होती है बंबू का, वो आप लेके जाइए और उससे सूखी लकड़ी से ऐसे करिए, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपके दिमाग में सेट है कि हमको चालक और कुचालक का अंतर हमको बहुत पहले से पता है, बस ये समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो लिखो चालक, चालक में लिखो, वह पदार्थ या वह सब्सटेंस जिसमें करंट व इलेक्ट्रॉन, धारा या इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो आवेश, आसानी से प्रवाहित हो जाए, वैसे सब्सटेंस को, वैसे पदार्थ को चालक कहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे लोहे का रॉड, और भी कुछ लग रहा है तुम्हारे पास दिमाग में? मेटल तो सब हो गया, सारे मेटल। क्या हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन या हम कहें कि हमारे अंदर भी करंट फ्लो करा तो आसानी से कंडक्ट कर लेंगे?
तो हम भी तो है क्या खुद? अगर नहीं होता ऐसा तो हम क्या ऐसे पकड़ के तार ऐसे ऐसे बांध रहे होते? ऐसा होता है क्या? हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, हम खुद एक चालक है, तो लिख सकते हैं मनुष्य भी एक चालक है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकता है। अच्छा यहां पे आपसे हम पूछते हैं, वो डायमंड है क्या? क्यों क्यों हाँ? अधातु है। तो जितने भी धातु हैं वो सब क्या है? चालक। और जितने अधातु हैं क्या है? कुचालक। लिख दो सारे धातु, सारे धातु। कुचालक बाबू लिखो वे पदार्थ जिनमें करंट का, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैसे पदार्थ को कुचालक कहते हैं। वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? वो कुचालक। जैसे सारे नॉन मेटल्स, या हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक, रबर, डायमंड, और डायमंड के ब्रैकेट लिख देना बाबू सारे नॉन मेटल्स, प्लास्टिक कॉमा रबर, और तीसरा लिख देना डायमंड और ब्रैकेट लिख देना सारे नॉन मेटल्स। ठीक है हाँ बताइए, कार्बन, इन्होंने पूछा कि कार्बन पे क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं होगा। डायमंड क्या है? अधातु है, लेकिन किसका फ्रेम है? गधा के का फ्रेम, कार्बन का। ये बताओ कार्बन का अगर हम बात करें, कार्बन का जो भी है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, जितना भी है, क्या उस पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा क्या? ग्रेफाइट तो आपका वही है, पेंसिल का आपका जो है नीडल, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है आसानी से? तो कार्बन एक प्रकार क्या है? अधातु, एक धातु है। क्या है मुंह में बोल रहा है कस के वो? समझ में आ गया ना? अब देखो हम बात करने वाले आवेशन, किसी भी पार्टिकल्स को कैसे हम आवेशित करेंगे। ठीक है, तो हम उसको इंड्यूस करेंगे या चार्जिंग करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, लिखना आवेशन, किसी भी पदार्थ का आवेशन या पदार्थ का आवेशन, हेडिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन का प्रक्रिया। पहला लिखना, क्या हम किसी भी पदार्थ को घर्षण करके आवेशित कर सकते हैं? तो लिखना फ्रिक्शन। और दूसरा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण। और दूसरा है प्रेरण, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, विद्युत प्रेरण। समझिएगा हाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी वस्तु को हम लोग अगर आवेशित करें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अगर कोई वस्तु को हम आवेशित कर रहे हैं तो आवेशन दो प्रकार से हो सकता है, पहला फ्रिक्शन और दूसरा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। ठीक है, तो जब आप फ्रिक्शन करोगे तो दो चीजें होंगी। ठीक है, जब आप फ्रिक्शन करोगे, जब आप घर्षण करोगे तो एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आनी है।
जैसे हम कहें दो पार्टिकल्स अगर कोई लेके चले तो हम कहेंगे तो एक ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे पे क्या आएगा निगेटिव। ऐसे बनाओ और उसमें लिखवा दे रहे हैं किस पे पॉजिटिव आएगा, कौन सी साथ मिलेंगे घर्षण करेंगे, किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे निगेटिव आएगा। जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना, ठीक है। चलो अगर हम बात करें कि कांच का एक टुकड़ा ले लिया जाए या कांच का एक छड़ ले लिया जाए, ठीक है, और रेशम कपड़ा ले लिया जाए, दोनों एक साथ, जैसे हम कांच के छड़ को आवेशित कर रहे हैं तो उसमें हम जब रगड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा धनावेश। क्या आ जाएगा? धनावेश। तो पॉजिटिव की तरफ लिखो कांच के छड़, कांच की छड़, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। और निगेटिव चाहे लिखो रेशम का कपड़ा या रेशम की टुकड़ा। अच्छा ठंडियों में आप देखे होंगे, जैसे हम बात करें कि कुर्सी में बैठे ही रहते हैं और ऊन से जो हमारा स्वेटर वेटर होता है और प्लास्टिक के बीच में एक ऐसा चार्ज हो जाता है, घर से चटचट की आवाज आने लगती है, ऐसे करके उठोगे चटचट की आएगी, ठीक है। तो उस समय क्या होता है बाबू, जो ऊन होता है आपका ऊन वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपका प्लास्टिक है वो कैसा होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिखना ऊन, और इधर क्या हो जाएगा निगेटिव में प्लास्टिक रबड़ जो भी होता है, प्लास्टिक और रबड़। अच्छा आप जब बाल जब कंघे से करते हो तो उसमें भी कभी कभी फ्रिक्शन होने के कारण उसमें जैसा लगता है कि आवेश हो गया, चटचटा की आवाज आवेश आती है, कभी ऐसा बाल अगर खींचने खींचेगा जब तो एक लगे ऐसा कि उसमें एक आवेश आ गया और चटचटाहट की आवाज आएगी। तो जो सूखा बाल होता है, सूखा बाल होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जबकि जो कंघा होता है कंघा वो निगेटिव आता है। लिखना सूखा बाल और कंघा, कंघा इधर हो जाएगा ऋणावेश की तरफ कंघा, ठीक है। तो इतना काफी है, आप लोग देख लो जैसे बिल्ली का खाल भी आता है, छोड़ो वो सब चीजें। इधर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखते हैं, ये मेजर है। इधर तो मान लो कि तुम्हारा जीवन का प्रक्रिया है, तुम लोग आसानी से देखे हुए हो। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं बाबू, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ अगर होगा तो पहले तो न्यूट्रल स्टेट में होगा। क्या इतनी बात मान रहे हो मेरी? हम कह रहे हैं कि जो भी पार्टिकल होगा उस पर क्या होगा, उस पर जितना उस पर निगेटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा कि अगर ये न्यूट्रल स्टेट में, देखो एक गो दू गो तीन गो चार गो, चार गो निगेटिव चार्ज, एक दो तीन चार, चार पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये उदासीन है? तो हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रल सबस्टेंस कैसा है ये उदासीन। अच्छा इसको आवेशित करना है तो हम इसके पास कोई ऐसा वस्तु लाएंगे जिसपे आवेश हो, बस आ रही है, तो हम कोई आवेशित वस्तु इसके पास ले आएंगे। तो चलो मान लेते हैं इस पे कि इस पे निगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा तो निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज वाला लेके आए, ठीक है। जब निगेटिव चार्ज वाला लेके आएंगे तो क्या ये जो निगेटिव वाला चार्ज है उसको रिपेल करेगा? भाई इसमें जो निगेटिव चार्ज है हमने यही पढ़ाया ना कि समान आवेश को क्या करता है प्रतिकर्षित करता है, जबकि असमान आवेश को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर ये खींचेगा तो ये देखो अरेंजमेंट अगर इसका देखें तो छोटा बना रहे क्योंकि अभी हमको दो तीन गो और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तुमको समझाने के लिए। तो इधर धनात्मक आके अरेंज हो जाएगा, देखो चारे भी लिए थे ना जी, इधर क्या हो जाएगा ऋण आवेश किनारे आ गया। देखो क्या यहाँ पे आवेश एक रूप में अरेंज हो गया केवल इसके ऋण के आने के वजह से, एक आवेशित पार्टिकल लाने की वजह से। अच्छा जैसे ही ये आगे जैसे ही ये आवेशित होके या हम बोले कि अरेंज हो जाएंगे आवेश इनका, तो हम क्या करेंगे इनको अर्थिंग कर देंगे। और हम सब जानते हैं कि अर्थिंग तब क्या आता है जो आवेश एक्स्ट्रा आवेश हो उसको नीचे भेज देने के लिए। तो यहां से इतना प्रतिकर्षण होने लगेगा कि ये माइनस चार्ज क्या हो जाएगा नीचे, बस आ रही है। अब यहां से माइनस आवेश क्या हो जाएगा अर्थिंग हो जाएगा, तो हम लिख रहे हैं यहां पे अर्थिंग किया गया है, अर्थिंग किया गया, ठीक है। जैसे ही अर्थिंग कर देंगे माइनस आवेश नीचे चला जाएगा।
जब माइनस आवेश नीचे चला जाएगा तो क्या स्पेस सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आवेश बन जाएंगे? क्या मेरी बात से सहमत हो? तो क्या ये उदासीन पार्टिकल्स, क्या ये चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया? चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, क्या ये आवेशित हो गया? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब कि प्रेरण की विधि से हम किसी उदासीन सबस्टेंस को क्या कर सकते हैं? चार्ज सबस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो आया है, जो प्रेरित करने वाला जो आवेशित या कण कोई आया है या हम रखे हैं उसको, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो बस उसको प्रेरित करके अपने आप को हटा लेता। जैसे आपके जीवन में कोई आए, कोई दोस्त मित्र जो बहुत अच्छा पढ़ने में हो, तो आप उससे प्रेरित भले हो जाएंगे लेकिन आपके वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आ रही है, क्योंकि वो तो पढ़ने में वो हर एक चीज जानता है, लड़का अपने आप को आगे बढ़ा के निकल जाएगा। आप उससे प्रेरित होकर आप भी सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द्वारा किसी भी न्यूट्रल सबस्टेंस को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? चार्ज सबस्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे हम इसको, इसमें हम अगर धनात्मक ले लेते तो क्या ये ऋणात्मक को लात मारता? यहाँ पे अभी तो ऋणात्मक को लात मारा है, मतलब कि अगर यहाँ पे धनात्मक ले लेते धनात्मक को प्रतिकर्षित करता तो ऋणात्मक यहाँ आ जाता, तब उस समय कौन सा आवेश हो जाता, कैसा आवेश हो जाता? वो धन आवेश, ऋण आवेश में आ जाता वो। मेरी बात समझे हो? कि जब यहाँ पे हम इस पे धन आवेश ले आएंगे, कि धन आवेश को तब यहाँ लात मारने लगेगा, तो धन आवेश क्या हो जाएगा? अर्थिंग में धन आवेश नीचे चला जाएगा, तो ऋण आवेश इस पे आवेशित हो जाएगा, तो उस समय हम बोलेंगे इस पे कैसा आवेश हो गया? निगेटिव। कोई एक ही आवेश दिखना चाहिए, अगर दोनों आवेश या बोले दोनों चार्ज उसके अंदर है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो कैसा है? न्यूट्रल है। आवेशन की प्रक्रिया यही है कि रगड़ घस करके या फिर प्रेरित करके सिर्फ और सिर्फ एगो उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स बना दो, जो पार्टिकल्स है उस पर एगो आवेशन कर दो, एक प्रकार का आवेश ला दो, या तो पॉजिटिव ला दो या फिर निगेटिव। तो यहां पर अभी हमने पॉजिटिव लाया, आप निगेटिव भी ला सकते हो, प्रक्रिया वही है, बस यहाँ पे जो पार्टिकल्स आया है, जो प्रेरित करने वाला पार्टिकल्स आया, इसको पॉजिटिव ले लेना, ये पॉजिटिव को रिपल करेगा और पॉजिटिव को अर्थिंग करा के नीचे भेज देंगे तो निगेटिव आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। स्मार्ट लग रहे हैं? अरे बोल। हाँ, सुबह नहाया धोया नहीं है लेकिन फिर भी लगते हैं, ठीक है, तो बचपन से हम लोग हैं तो क्या किया जा सकता है, घमंड नहीं है। क्यों हर्ष? देखो, लड़के अपनी अपनी बेइज्जती और अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, किसी को ढूंढना थोड़ी नहीं पड़ता है, और लड़कियां हमेशा ढूंढती हैं, जब पहन के निकलेंगी तो सोचेंगी कौन हो सामने जो ये कह दे लल्लन टाप लग रही हो, ठीक है। चल, अरे ऐसा कॉलेज में हुआ है हम लोग के साथ भाई, जब फेयरवेल होता था तो फेयरवेल में तो लड़कियां सब निकल गए, अभी आनंद ये बता कैसे लग रहे हैं हम? ठीक लग रहे हो भाई, हम तो एक बार नहीं पूछे कि हम कैसे लगते हैं। हाँ, लड़का अपना सच्चाई जानता है कि हम स्मार्ट हैं। क्यों जी, लड़के अपने कॉन्फिडेंस एकदम चौड़े होकर चलते हैं कि अपन स्मार्ट भी हैं और अपन जीनियस भी हैं, गोबर थोड़ी ना है। अमर गया ऐसे अमन, हाँ अब हीरो हो गया। अच्छा, कल तो जन्मदिन था, कल था कि आज है? अच्छा, कल पूछा गया तो कह रहा है कि एक दिन बोला था कि 2 तारीख से स्टार्ट कीजिए, 2 तारीख को मेरा जन्मदिन है बोला था ना, पढ़ा रहे थे टफियो लाके सबको दे दिए, वो तो चरणी वाला। अरे घर पे गाय भैंस पेठवे बना लाते, घर से बनवा लाते। अरे बर्फी बनता है ना, हाँ। तो बर्फी बनवा लाते घर से। हाँ, बुला गए हो तो कल घर पे कह देना कि मम्मी देखो कोचिंग में सारे बच्चे बर्फी मांगे हैं, ठीक है, तो जितना गाय भैंस का दूध आ रहा है उसको चलाओ और बर्फी तैयार कर सबको खिलाएंगे। हाँ, ये सब कहना था कि अमन कल भाग जाएगा।
टफियला खिला देना, जाने दो टफिया खिला देना, बहुत ज्यादा ना करना टफिया खिला। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए बाबू इसी बात पे। अच्छा इसके बारे में कुछ बात लिखवा दें कि ठीक है समझ गए, समझ गए मतलब एक चीज समझ में आ गया कि जो हमारा जो प्रेरित कर रहा है उसको आवेश ना प्राप्त होता है ना खत्म होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं है, बस वो प्रेरित होता है, प्रभाव उसका पड़ता है, लेकिन इस पे प्रभाव पड़ जाए ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है ये तो ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, देखो एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ, एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ घर्षित किया जाता है तो पॉलिथीन पर -7 कूलाम का आवेश आ जाता है। तो ज्ञात कीजिए पॉलिथीन पर स्थानांतरित पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, स्थानांतरित द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा। हाँ पहले तो क्यू बराबर एन नहीं लगाओगे तो वहां से एन निकाल लोगे तो पॉलिथीन पर, फिर उसका हम लिखेंगे पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा, तो जो एन आएगा एन को गुणा कर देंगे इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की मात्रा से, बस आ जाएगा। दो बार फॉर्मूले को लगाना है, एक फॉर्मूला सुन लो। चलो अब हम करते हैं देखना, हाँ बता ही रहे ना यहाँ, देखो बता रहे हैं सर, जैसे नहीं भाई ऐसे बता दीजिए हम कर लेंगे। और देखो इधर सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा गया वो, कह रहा है कि एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन के साथ घर्षित किया जाता है तो पॉलिथीन पर 4×10⁻⁷ कूलाम, तो जो आवेश है कितना आ गया 4×10⁻⁷ कूलाम का आवेश पहुंच जाता है। ठीक है उसके बाद क्या है बाबू, तो ज्ञात कीजिए कि पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान का, सुनो जब पॉलिथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की बात कर रहा है तो ईएमपी बात कर रहा है, मतलब कि पॉलिथीन का मास, मतलब पॉलिथीन पर जो स्थानांतरित हुआ द्रव्यमान। ठीक है तो पहले तो हमको यह निकालना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई ई, कोई दिक्कत है इसमें, तो सीधे रख देंगे 4×10⁻⁷ और ई का मान क्या हो जाएगा 1.6×10⁻¹। अच्छा एक चीज और यहाँ पे करना, जो क्यू का मान है माइनस में कर लेना, बता रहे क्यू का मान माइनस में कर लो, क्वेश्चन में -4×10⁻⁷। हाँ तो इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6×10⁻¹, यही होता है ना, प्रोटॉन का धनात्मक होता है, तो इसको अगर माइनस में लिए क्वेश्चन में, इसको भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो अब ये हो गया कि 4/16, तो 4×16 तो 0.4 करीब आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं या इसको काट लेना जो भी आएगा, तो 4/16 लिखे हो -10⁻⁷ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 था ही, -10⁻¹। अच्छा माइनस को ऊपर लेते जाओ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -18 ले जाना, 20 ले जाओगे, 20 लेना पड़ेगा क्योंकि 10 से गुणा करोगे ना तब जाके 16 होगा ना,
तो माइनस बीस ले आना पड़ेगा ऊपर, तो माइनस बीस ऊपर कैसे हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो प्लस बीस ये क्या हो जाएगा, चार चौक सोलह, एक बटे चार, और चार चार दुनिया आठ, मतलब 0.8 सॉरी 0.2 अगर ये आ गया एक बटे चार, तो चार दुनी आठ 0.2 और फिर चार पचे 20, तो यही आया क्या 0.25। गुड़े के मान अब ये 20 ऊपर गया है तो 10^12 ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो क्या यहाँ पे हमने यन निकाल लिया, अब जब यन निकाल लिया तो पूछ रहा है कि स्थानांतरित द्रव्यमान का मान ज्ञात करिए, तो स्थानांतरित द्रव्यमान का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से यन को गुणा कर देंगे, तो पॉलिथीन पे जितना मास शिफ्ट हुआ है या स्थानांतरित हुआ है ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ऐसे लिखेंगे पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान, देखो वो हो सकता है ओ आई का जो स्पेलिंग क्या नाम है कि मात्रा हो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो तो देख लेना, तो एन गुणे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यन कितना निकाल लिए हम 0.25 गुणे 10^12 माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा प्लस में आएगा जी, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में आएगा क्योंकि 20 प्लस जा रहा है ना बड़ा मात्र, हाँ ठीक है, तो 12 और यहाँ पे गुणे 9.1। अच्छा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर। हाँ?